कथित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए जेएमएम कार्यकर्ता आज दुमका की सड़कों पर उतर गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी के नेतृत्व में आज न्याय मार्च निकाला गया और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में उचित न्याय की मांग की गई। जेएमएम कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को निर्दोष बताया और पूर्व मुख्यमंत्री को सुनियोजित साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। दुमका के अंबेडकर चौक से निकाला गया न्याय मार्च दुमका शहर के तीन बाजार चौक से होते हुए और कुंवर सिंह चौक से होते हुए पुनः अंबेडकर चौक पहुंचा। जेएमएम नेताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ा और सामान्य लोगों के लिए काम कर रहे थे, इससे घबराकर केंद्र की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत फंसाने का काम किया है। लेकिन जेएमएम आंदोलन की पार्टी है और केंद्र सरकार की साजिश को पार्टी सफल नहीं होने देगी। पार्टी संघर्ष का रास्ता अपनाकर केंद्र की साजिशों को नाकाम करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। एक मजबूत सपना दिखाने का काम किया था, आज तरह तरह की योजनाएं लाकर हम गरीबों का उद्धार करने का काम किया था। आज वैसे हमारे नेता जो आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए निरंतर लड़ाई करने का काम किया, उनके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे, वैसे नेता को आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधिभगत से उनकी साजिश के तहत आज उनको जेल में बंद करने का काम किया है। आज इसीलिए हम लोग उनके अन्याय के खिलाफ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता आज न्याय की मांग कर रहे हैं। जो हमारे नेता, हमारे प्रिय नेता, सच्चे नेता, ईमानदार नेता, उनको न्याय दिया जाए। एक छोटा सा भूखंड के लिए उनको आज बेवजह, जिसके नाम पर वो भूखंड नहीं है, वो जमीन नहीं है, और वैसे जमीन को नाम पर आज साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। हम सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंडी ये जानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज वही लोग, आज हम कह सकते हैं जो पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचारी करके ही, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा कार्यालय नहीं बनाया हो। बड़ा करोड़ करोड़ रुपया का उन्होंने कार्यालय बनाया, कैसे उन्होंने इतना बड़ा पैसा लाकर कहां से लाया? हम लोग मानते हैं कि सबसे भ्रष्टाचार अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे भ्रष्टाचारी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, नहीं तो कैसे इनके अडानी अंबानी से साठ गांठ इतना है? क्यों नहीं हम लोग चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ उसका ईडी जांच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं वहां पर सीबीआई गई, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? बिहार में सृजन घोटाला हुआ उसका ईडी जांच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं वहां के नेता, वहां के सरकार को पकड़े गए? हम समझते हैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री अगर पैसा में होगा, अगर कोई संपत्ति में होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी होंगे वो, और इससे सभी मुख्यमंत्री।